हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट जितेंद्र यादव, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। ये एमसीक्यू टीपीए के हैं और टीपीए के सेक्शन 1 से लेकर 137 के हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हमने टीपीए की क्लास 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इतने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं कि आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं एग्ज़ाम से, इन्हीं एमसीक्यू से फंसेगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख के ज़रूर जाइएगा। और आप अगर 51 से लेकर 100 तक की सीरीज़ देख रहे हैं, इससे पहले आप 1 से लेकर 50 तक की सीरीज़ देख लें, क्योंकि ये सीक्वेंस में क्वेश्चंस लगाए गए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक ट्रिक है जिससे आप एक मैप माइंड में फ्रेम कर लें, एक इमेज आपके माइंड में फ्रेम हो जाएगी, जिससे कि आप जब आप टीपी का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आइडिया करके भी बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो बिना कुछ देर के करे हुए हम क्वेश्चन नंबर 51 को सर्च करते हैं और 51 से लेके 100 तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सीरीज़ को ख़त्म करते हैं टीपीए की। आप इतनी सीरीज़ करके जाइए, निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, टीपीए के क्वेश्चन बहुत अच्छे जाएंगे। और जो सीरीज़ मैंने सीआरपीसी की भी कराई हैं, आप प्लीज़ उनको भी देख के जाइएगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। राम कुमार कुंदू बनाम मैकविन के वाद का संबंध है। ऑप्शन 1 लंबित वाद से, ऑप्शन 2 दृश्यमान स्वामी से, ऑप्शन 3 भागिक पालन से, ऑप्शन 4 बंधक से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 दृश्यमान स्वामी से। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आ सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि उस पर उसका आत्यंतिक हक है, बाकी भूमि पर फसल बो देता है, उसकी बेदखली के समय फसल उगी हुई है, आ हकदार होगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 संपूर्ण फसल का। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। संविदा के विनिर्दिष्ट अनुतोष के ऐसे वाद जो अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित हैं पर वाद लंबन का नियम लागू होगा। ऑप्शन 1 असत्य है, ऑप्शन 2 सत्य है, ऑप्शन 3 अंशतः सत्य है, ऑप्शन 4 प्रत्येक वाद के तथ्यों पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। लंबित वाद का सिद्धांत संबंध रखता है लोक उपयोगिता से, ऑप्शन 2 नीलामी द्वारा विक्रय से, ऑप्शन 3 वास्तविक क्रय से, ऑप्शन 4 कपटपूर्ण अंतरण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 लोक उपयोगिता से। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। वाद लंबित का सिद्धांत की प्रयोज्यता हेतु संपत्ति होगी चल अचल, चल व अचल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अचल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। लंबित वाद का सिद्धांत किस प्रसिद्ध वाद में व्याख्यापित किया गया है। तो इसमें मूसाहार शाहू वर्सेस हाकिम लाल, ऑप्शन 2 मोहम्मद शफी वर्सेस मोहम्मद सईद, ऑप्शन 2 टलक वर्सेस मोक्से है, ऑप्शन 4 बेलामी बनाम स्वाइन। तो इसका राइट आंसर होगा बेलामी वर्सेस स्वाइन, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कपटपूर्ण अंतरण परिभाषित है ऑप्शन 21 में, ऑप्शन 2 धारा 53 में, ऑप्शन 3 धारा 35 में, ऑप्शन 4 धारा 19 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 53 में, यानी कि टीपीए की 53 में कपटपूर्ण अंतरण की परिभाषा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। टीपीए की धारा 53A संबंधित है ऑप्शन 1 विफलता के सिद्धांत से, ऑप्शन 2 विचाराधीन के सिद्धांत से, ऑप्शन 3 पृथकता के सिद्धांत से, ऑप्शन 4 भागिक पालन के सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भागिक पालन के सिद्धांत से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बताता रहूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप उसको बिल्कुल याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भागिक पालन का सिद्धांत आधारित है ऑप्शन 1 53A में, ऑप्शन 2 54 में, ऑप्शन 3 57 में, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 53A में। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। टीपीए के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पक्षकारों के कृत्य द्वारा नहीं है। ऑप्शन 1 उत्तराधिकारी, ऑप्शन 2 विक्रय, ऑप्शन 3 बंधक, ऑप्शन 4 दान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
वन उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है। ऑप्शन टू, जिसके देने का वचन दिया गया है। ऑप्शन थ्री, जिसका कोई भाग दे दिया गया है एवं कोई भाग देने का वचन दिया गया है। ऑप्शन फोर, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के में परिभाषित किया गया है। 53 में, सेक्शन 54 में, सेक्शन 55 में, सेक्शन 56 में। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 54 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या विक्रय का अनिवार्य तत्व नहीं है। ऑप्शन वन, पक्षकार। ऑप्शन टू, विषय वस्तु। ऑप्शन थ्री, अंतरण अथवा हस्तांतरण। ऑप्शन फोर, कीमत का नकद भुगतान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, कीमत का नकद भुगतान। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम, संपत्ति के अंतरण में विक्रेता संपत्ति के भाटकों और लाभों का हकदार नहीं है। ऑप्शन टू, संपत्ति के तब तक के भाटकों और लाभों का हकदार है जब तक कि उस स्वामित्व क्रेता का संक्रांत नहीं हो जाए। ऑप्शन थ्री, सदैव के लिए संपत्ति के भाटकों और लाभों का हकदार। ऑप्शन फोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, संपत्ति के तब तक के भाटकों लाभों का हकदार है जब तक कि उस स्वामित्व क्रेता का संक्रांत नहीं हो जाए। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्रेता विक्रेता के अधिकारों को दिया गया है। ऑप्शन वन, धारा 60 से 64 में। ऑप्शन टू, धारा 67 से 77 में। ऑप्शन थ्री, धारा 68 से 80 में। ऑप्शन फोर, धारा 55 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, धारा 55 में। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भोग बंधक के बंधक में बंधकदार संपत्ति का आधिपत्य ले लेता है तो उसे भाटकों एवं अन्य लाभों को प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, जब तक कि बंधक धन अदा नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक को कहा जाता है क्या। ऑप्शन नंबर, विलक्षण बंधक। ऑप्शन टू, अंग्रेजी बंधक। ऑप्शन थ्री, सामयिक बंधक। ऑप्शन फोर, भोग बंधक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, सामयिक बंधक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदान करना आवश्यक है। ऑप्शन वन, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में। ऑप्शन टू, अंग्रेजी बंधक में। ऑप्शन थ्री, हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक में। ऑप्शन फोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, अंग्रेजी बंधक में। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित बंधकों में से कौन से बंधक का ना तो लिखित होना ना ही पंजीकरण होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम, साधारण बंधक में। ऑप्शन टू, अंग्रेजी बंधक में। ऑप्शन थ्री, भोग बंधक में। ऑप्शन फोर, हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति का अंतरण राष्ट्रीयकरण दस्तावेज के बिना किया जा सकता है। जल्दी से गैस करिए, इसमें से कौन सकता है। ऑप्शन वन, 100 रुपये या अधिक के मूल्य की स्थावर संपत्ति का विक्रय। ऑप्शन टू, हक दस्तावेजों के निक्षेपों द्वारा बंधक। ऑप्शन निक्षेपों द्वारा बंधक जबकि प्रतिभूति मूलधन 100 रुपये या अधिक का है। ऑप्शन थ्री, पक्षकारों के कृत्य से अर्जित भार। ऑप्शन फोर, अचल संपत्ति का पट्टा जो एक वर्ष से अधिक के लिए है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, हक विलेखों यानी हक दस्तावेजों के निक्षेपों द्वारा बंधक। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, क्या सादा बंधक सदैव पंजीकृत होना चाहिए। ऑप्शन वन, हाँ। ऑप्शन टू, यदि संपत्ति 100 रुपये से अधिक की ना हो। ऑप्शन थ्री, पंजीकरण आवश्यक नहीं है। ऑप्शन फोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन, हाँ। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में समेकन का सिद्धांत दिया गया है।
ऑप्शन वन धारा 60 में, ऑप्शन टू धारा 61 में, ऑप्शन थ्री धारा 62 में, ऑप्शन फोर धारा 63 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू धारा 61 में। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी धारा बंधक संपत्ति की अनुवृद्धि से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री धारा 63 एवं धारा 70 में। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। प्रोबंध का उपचार निम्नलिखित बंधकों में से किसमें उपबंध उपलब्ध है? ऑप्शन वन सशर्त विक्रय बंधक, ऑप्शन टू आंगल बंधक, ऑप्शन थ्री भोग बंधक, ऑप्शन फोर सादा बंधक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन सशर्त विक्रय बंधक। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम। संपत्ति अंतरण अधिनियम में बंधकदार के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन वन धारा 55 से 57, ऑप्शन टू धारा 61 से 65, ऑप्शन थ्री धारा 67 से 77, ऑप्शन फोर धारा 78। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री धारा 67 से 77 तक। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत की विवेचना करती है? तो ऑप्शन वन धारा 68, ऑप्शन टू धारा 70, ऑप्शन थ्री धारा 71, ऑप्शन फोर धारा 73। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर धारा 73। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। टीपीए की निम्न में से किस धारा में भार को परिभाषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। तो इसमें भार को किसमें परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर धारा 103 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम से संगत नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन वन राज्य सरकार, ऑप्शन टू उच्च न्यायालय, ऑप्शन थ्री सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन फोर राज्य सचिवालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अवयस्कों किया पट्टा ऑप्शन वन वैध है, ऑप्शन टू शून्य है, ऑप्शन थ्री शून्यकरणीय है, ऑप्शन फोर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू शून्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ आप उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर जैसे भी हो आप प्लीज़ उसको याद करने के लिए कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर अपनाइए। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सन 2002 में संशोधन किया गया किस धारा में? धारा 100 में, धारा 106 में, धारा 108 में, धारा 110 में। जल्दी से गैस करिएगा कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू धारा 106 में। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। जहाँ अचल संपत्ति के पट्टे की अवधि मासिक हो वहाँ उसी समाप्ति की नोटिस की अवधि होगी। ऑप्शन वन एक माह, ऑप्शन टू दो माह, ऑप्शन थ्री छः माह, ऑप्शन फोर 15 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पट्टा करने वाले एवं पट्टा प्राप्त करने वाले के अधिकार एवं दायित्व संबंधी प्रावधान हैं? धारा 107 में, धारा 108 में, धारा 109 में, धारा 110 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू धारा 108 में। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है? ऑप्शन वन तद्द्वारा परिसीमित समय के बीत जाने पर, ऑप्शन टू अभिव्यक्त अभिप्रण द्वारा, ऑप्शन थ्री छोड़ देने की सूचना की तामील पर, ऑप्शन फोर संप्रहण द्वारा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन तीन छोड़ देने की सूचना की तामील पर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्न अंतरण में कौन सा मौखिक किया जा सकता है? वर्षानुवर्ष पट्टा, ऑप्शन टू पट्टे का त्याग, ऑप्शन थ्री 100 रुपये से अधिक की संपत्ति का विनियम, ऑप्शन फोर साधारण बंधक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू पट्टे का त्याग। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कौन सा अंतरण मौखिक किया जा सकता है? ऑप्शन वन स्थावर संपत्ति का दान, ऑप्शन टू अनियोज्य दावों का अंतरण, ऑप्शन थ्री स्थावर संपत्ति का विक्रय जो 100 रुपये से अधिक हो, ऑप्शन फोर पट्टे का त्याग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर पट्टे का त्याग।
क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम। राम 5 लाख मूल्य वाले मकान को 2 लाख मूल्य वाले एक खेत एवं 3 लाख रुपए नकद के बदले श्याम को अंतरित करता है, यह समव्यवहार क्या है? एक विक्रय है, ऑप्शन 2 एक विनिमय है, ऑप्शन 3 ना तो विक्रय है ना ही विनिमय, ऑप्शन 4 है आपका एक व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यह एक विनिमय है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। टीपीए की धारा 122 निम्न में से किस प्रकार के दान से संबंधित है? ऑप्शन 1 जीवित व्यक्तियों के बीच दान, ऑप्शन 2 आसन मरण दान, ऑप्शन 3 वसीयत दान, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जीवित व्यक्तियों के बीच दान। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए किया गया अंतरण, ऑप्शन 1 कब्जे के परिदान द्वारा, ऑप्शन 2 दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित दृष्टिकृत लिखित द्वारा, ऑप्शन 3 सादा लिखित द्वारा, ऑप्शन 4 कब्जे के प्रदान सहित सादा लिखित द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित दृष्टिगत लिखित द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम। संपत्ति अंतरण अधिनियम में से कौन से प्रकार के लिए लिखित विलेख में 2 साक्षियों तथा अनुप्रमाणन को संपत्ति अंतरण अधिनियम में बाध्यकारी प्रावधानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि दान। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं हम। आ बाको 8,000 रुपये का दान देता है लेकिन आपने पास बाकी सहमति से 3,000 रुपये वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, दान की वैधानिक स्थिति क्या है? ऑप्शन 1 दान वैध होगा, ऑप्शन 2 दान शून्य है, ऑप्शन 3 दान शून्य करणीय है, ऑप्शन 4 50,000 रुपये तक का वैध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दान शून्य करणीय है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम। सर्वस्य अदाता वह है, सर्वस्य अदाता के बारे में है बात हुई है, तो सर्वस्य अदाता क्या है? ऑप्शन 1 अदाता को दान के समय के ऋण दायित्वों से कोई सरोकार नहीं होता, ऑप्शन 2 अदाता के दान के समय के दाता के शोध्य ऋण दायित्वों का दायी माना जाता है, ऑप्शन 3 अदाता को ऋण दायित्व के आधे के लिए दायी ठहराया जाता है, ऑप्शन 4 अदाता को शोध्य ऋण के 1/3 तक के लिए दायी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। एक सर्वस्य अदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है, सर्वस्य अदाता का दायित्व है, ऑप्शन 1 व्यक्तिगत होता है, ऑप्शन 2 पुनित आधार पर आधारित है, ऑप्शन 3 उचित धनराशि तक सीमित है, ऑप्शन 4 उसके पास दान स्वरूप की गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उसके पास दान स्वरूप की गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित यह प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। कथन ए है, दान की विधिक अनुसंगतियों के में दान का आत्यंतिक उपभोग शामिल है, कारण दिया गया है आर, अदाता को दान के उपभोग करने से किसी शर्त द्वारा निर्बंधित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। आ एक मकान जिसका बाजार मूल्य 10,000 है बिना प्रतिफल के बा को अंतरित करता है लेकिन उस मकान के ऊपर 15,000 सरकारी प्रभार देय है, यह अंतरण है, दान दुर्वर्दान यानी दार लिखा है या दान होगा, ऑप्शन 3 अनियोज्य दावा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यह दुर्वर्दान है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से क्या कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें सही युग्म देखते हैं कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बंधिकत ऋण यानी कि धारा 134। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। एक अनियोज्य दावे का अंतरण, ऑप्शन 1 पंजीकृत लिखित द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन 2 अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित से किया जा सकता है, ऑप्शन 3 2 साक्षियों से अनुप्रमाणित पंजीकृत लिखित से, ऑप्शन 4 मौखिक करार द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन टू अंतग्रहण अंतग्रहणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। बा को आ देनदार है, बा वह ऋण सा को अंतरित कर देता है, आ से ऋण चुकाने के लिए बा तकाजा करता है, आ को अंतरण की यथावे सूचना धारा 131 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में मिली और वह बा को संदाय कर देता है। यह संदाय है ऑप्शन वन वैध है, अवैध है, ऑप्शन थ्री परिवर्तनीय है, ऑप्शन फोर परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन वैध है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ऐसे दो या अधिक अदाताओं को किसी चीज़ का दान जिनमें से एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है उस हित के संबंध में ऑप्शन वन शून्य है, ऑप्शन टू शून्यकरणीय है, ऑप्शन थ्री एक और दो है दोनों, ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू शून्यकरणीय। गाइस ये हमारे TPA की सीरीज़ कंप्लीट हुई। ये 100 MCQ मैंने करा दिए हैं। TPA क्लास वन भी आप देखिएगा और क्लास टू भी देखिएगा। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले गए हैं। सो प्लीज़ गाइज आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा, आप ज़रूर देखिए। इनमें से आपके हाईली चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तक फंसेंगे। मैंने SERPC की सीरीज़ भी बनाई है, मैंने TPA भी शॉर्ट लिस्ट किया है। आपके एग्ज़ाम के टाइम को देखते हुए बहुत कम टाइम के लिए मैंने ये सीरीज़ निकाली है। सो प्लीज़ इनको ज़रूर देखिए, इनको ज़रूर पढ़िए। सो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए शायद एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पा रही होगी बताने में, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक मेरी बात पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू सो मच।